तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं नाम है अविनाश और मैं सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर थाकल रूप पे। और एक मैं साउथ की एक मास्टरपीस मूवी लेके आया हूँ और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी का नाम है सुपर डीलक्स। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये मूवी हमको ऐसा क्या नया दिखाती है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखने के बाद, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और इस मूवी का जॉनर है डार्क कॉमेडी ड्रामा। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10 और गूगल यूजर ने इसे 90% के स्कोर दिए और रोटेन टोमेटो ने इसे 80% के स्कोर दिए। और इस मूवी का डायरेक्शन किया है थाई राजन कुमार राजन ने, और भाई उनका डायरेक्शन बहुत कमाल का। और इस मूवी में आपको बड़े बड़े एक्टर देखने को मिलेंगे जैसे विजय सेतुपति, समांता एकनेनी, रामे कृष्णन और भागवती प्रमुल। और ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी होने वाली है और भाई इस मूवी को गलती से ही मिस मत करना। और अगर आपने सुपर डीलक्स मूवी नहीं देखी है ना, तो पहले भाई वो जाके देख लो, क्योंकि ये वीडियो कहीं भागे नहीं जा रही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी स्टोरी के बारे में बताऊंगा, अगर आपका मजा ना किरकिरा हो जाए तो और इस मूवी को ना रिव्यू की भाई बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि इस मूवी में आपको एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, कॉमेडी भाई भर भर के है। और इस मूवी को जिस लेवल पे बना के भाई प्रेजेंट किया गया ना, भाई मजा आ गया। और इस मूवी में आपको इतने ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेगी और ये मूवी आपको कहीं डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और सोचो इस मूवी में आपको एलियंस भी देखने को मिलेंगे, सोचो यार मूवी की स्टोरी क्या हो सकती है। ये मूवी एक ओरिजिनल कंटेंट है और ये मूवी आपको 10 मिनट में फुल्ली इम्प्रेस कर देगी कि भाई मूवी में आगे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, आपकी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जाती है। और इस मूवी में आपको छोटी छोटी स्टोरियाँ देखने को मिलेगी और वो सारी स्टोरी कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी की जितनी भी तारीफ की जाए ना भाई कम है, जिस तरीके से राइटर ने इस मूवी को लिखा है ना भाई मज़ा आ गया देख के। और इस मूवी में आपको किसी चीज़ की कमी देखने को नहीं मिलेगी। और जब मूवी ख़त्म होती है ना, तो लास्ट में आपको एक सोशली मैसेज देती है। और अगर इस मूवी में भाई सबसे अच्छा काम किया है विजय सेतुपति ने, क्योंकि भाई जिस तरीके से उनका कैरेक्टर है ना भाई, वो कैरेक्टर आपको इम्प्रेस कर देगा। और वो कैरेक्टर इतना डीपली है, जब आप उसके बारे में जानोगे ना तो सोचोगे कि भाई ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये अपनी लाइफ में इतना बुरा कैसे होता है। लेकिन जब भाई उसके खुद के बच्चे पे आती है ना, तो सोचो कितना वो पॉसेसिव हो जाता है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और अगर इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात की जाए ना, तो इस मूवी में आपको समानता का बॉयफ्रेंड देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम में ही। और जब वो उसके साथ भाई मेकआउट कर रही होती है ना, तो कैसे भाई उसका बॉयफ्रेंड भाई मर जाता है। और जब उसका पति वहाँ पे आता है ना, तो उसको सारी चीज़ें पता चल जाती है। और जब वो उस बंदे को देखता है, तो भाई उसका सर खुद घूम जाता है कि भाई ये ऐसा कैसा हो गया। और जब समानता और उसका पति इसको सोचते हैं कि भाई इस चीज़ को ठिकाने कैसे लगाया जाए, और भाई इस मूवी का वो सीन जिस सीन को देख के भाई आंखें फटी की फटी रह गई थी इन दोनों में। और इस मूवी में जो समानता का पति होता है कि भाई तुमने इसे मारा है तो तुम इसे काटोगे, तो सोचो भाई वो काटने वाला सीन, लेकिन वो काटने वाला सीन लगता नहीं है। और इस मूवी में आपको चार दोस्त देखने को मिलेंगे जो ग्रुप स्टडी के बहाने अपने घर में फोन देखते हैं। और सोचो वो फोन किस में देख रहे हैं, 3D में। भाई अभी तक तो हम मोबाइल में अटके पड़े हैं। और मैंने भी ये चीज़ भाई गूगल की और मेरे को भाई कुछ खास चीज़ें नहीं मिली। लेकिन इस मूवी में भाई चार दोस्त होते हैं और एक दोस्त होता है सूर्य, और उसकी माँ उसको स्पॉन मूवी में देखती है। और उसका रिएक्शन भाई कुछ ऐसा था कि भाई वो भागता हुआ जाता है। और भाई उसका रिएक्शन क्या रहेगा, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले वो बोतल उठा के सीधा LED में मारता है, और जिसकी वो LED होती है ना, वो खुद पागल हो जाता है कि यार अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पापा आ गए तो मुझे बहुत मारेंगे। तो वो तीनों दोस्त बाहर जाते हैं कि पैसों का जुगाड़ करने के लिए और नई LED लेने के लिए, और जिसकी वजह से वो एक मर्डर केस भी हाथ में ले लेते हैं। और वो उस बंदे को मार पाते या नहीं मार पाते, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी में एक पत्नी है जो 7.5 साल से अपने पति का वेट कर रही है, और घर के और भी सदस्य होते हैं जो उस दिन आ जाते हैं। और जब वहाँ पे विजय सेतुपति का कैरेक्टर होता है ना, जब वो आता है, लेकिन वो एक ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट होके आता है, और उसके बाद उनके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है, और उसका जो बेटा जो महज बहुत छोटा है अपने पापा को देखने के लिए कितना तरस जाता है, और जब उसके पापा आते हैं ट्रांसजेंडर कन्वर्ट करके, तो उसका रिएक्शन क्या रहता है, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी है, इस मूवी को गलती से मिस मत करना। और प्लीज़ इस मूवी को यार अपनी फैमिली के साथ मत देखना, खुद अकेले देख लेना या अपनी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड के साथ देख लेना। और इस मूवी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आपको ये मूवी हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने मूवी पहले देखी है ना, तो आपके कैसे लगे मुझे बता देना भाई। तो इस वीडियो में इतने आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वरना भाई इस मूवी के लिए स्पॉइलर हो जाएगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।